नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, आपको अपने इस YouTube चैनल पर हिंदू त्योहार से संबंधित सभी वीडियोस मिलती रहती हैं, जिनमें आपको ये जानने को मिलता रहता है कि हमें ये त्योहार किस प्रकार से बनाने चाहिए और इन त्योहारों पर हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, क्या फायदा है और क्या नुकसान है और क्या इनको बनाने की विधि है। और साथ ही दोस्तों, हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ की वीडियोज भी अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आज का हमारा विषय है आने वाले धनतेरस के त्योहार के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 4 नवंबर 2021 को पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार होता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग बाजार से खरीदारी करते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धनतेरस के दिन से दीपों के त्यौहार का आरंभ होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। दोस्तों, धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और वह भगवान विष्णु के अंश भी हैं। तो इसलिए मित्रों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से भक्त को निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। इस साल धनतेरस 2 नवम्बर को मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि धनतेरस के दिन दान करने से क्या लाभ मिलता है और क्या है इसकी पूजा विधि। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए और फिर भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या फिर कोई भी प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित करें और फिर इसके बाद आप हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और फिर रोली, अक्षत और थोड़े से फूल लेकर के आप भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें और साथ ही कलावा भी अर्पित करें और इसके बाद में फिर आप नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान धन्वंतरी के मंत्र का उच्चारण करें। भगवान धन्वंतरी का मंत्र आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इस प्रकार से है, ओम श्री धन्वंतरे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने से आपकी पूजा विधि संपन्न होती है। और इसके बाद जानते हैं दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें क्या दान करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे। तो मैं आपको बता दूं, धनतेरस के दिन शाम को दीप दान करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही दीप जलाने की शुरुआत होती है, तो इसलिए आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। यह दीप दान यम देवता के नाम पर किया जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की रक्षा होती है। इस दीप को घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर रखा जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद में दीपक को घर के अंदर से जला कर लाएं और घर के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके रख दें और फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, ये जो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, इस मंत्र को आप 11 बार बोलें और दीपक के आसपास जल छिड़कें। इस प्रकार से आप दीप दान करें। आप इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए और पूजा विधि को बिल्कुल पूजा विधि के अनुसार कीजिए। दोस्तों, दीप दान का शुभ समय धनतेरस के दिन शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:11 तक है। आप इस समय में दीप दान जरूर कीजिए, जो कि बहुत ही फलदायक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में।